बिग बॉस करते करते तो अब बिग बॉस खत्म हो गया, तो चलिए इंडियन आइडल सीजन 12 के बारे में बात करते हैं, जिसको मैं बहुत ही, कहते हैं ना कि जैसे बास की नजर रखे मैं बिग बॉस को फॉलो कर रहा था, तो अब मैं इंडियन आइडल को फॉलो कर रहा हूँ और इसके बाद में फॉलो करूंगा डांस दीवाने 3 को। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आइडल 12 की, लेकिन एक छोटी सी दुख की खबर है, बैड न्यूज है उन फैंस के लिए जो कि अनुष्का बैनर्जी को, जी हाँ मैं अनुष्का बैनर्जी की बात कर रहा हूँ, और उसकी तस्वीर दिखाऊंगा कौन है वो और सारी चीजें बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्ते सत श्री अकाल आदाब खमागिनी केम चुके रोहाल का सकाय में हूँ करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों जैसे कि इंडियन आइडल सीजन 12 में 5 लोग नॉमिनेट हुए थे, जी हाँ वो 5 लोग जो नॉमिनेट हुए थे शनिवार रविवार को उनको सामने सामने खड़ा किया गया और उनमें से एक जन जो है वो एलिमिनेट हो गया, एक शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ है। मैं जानता हूं कि आप उनके फैन हैं, अनुष्का बैनर्जी हो चुकी है इंडियन आइडल सीजन 12 से बाहर, जहां पर जजेस थे नेहा कक्कड़ विशाल और हिमेश रेशमिया, इस शो से बाहर हो चुकी है, यानी कि मैं घर से बेघर नहीं कहूंगा बिकॉज बिग बॉस की मुझे आदत पड़ गई थी, इस शो से बाहर हो चुकी है, इस कंटेस्टेंट जो है इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुकी है जहां पर इंडियन आइडल बनने का एक सपना लेकर लोग आते थे। राहुल वैद्य रनर अप बने थे इंडियन आइडल सीजन 1 के, अभिजीत सावंत विनर बने थे, और यहां पर भी अनुष्का बैनर्जी को लेकर बहुत लोग थे जो चाह रहे थे कि अनुष्का बैनर्जी विनर बने, लेकिन उन 5 नॉमिनेटेड लोगों में से एक जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो नॉमिनेट होकर एलिमिनेट हो गए, घर से बाहर चले गए, का नाम है अनुष्का बैनर्जी। आप क्या सोचते हैं और आपको अनुष्का बैनर्जी को क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।